प्रणाम, मेरा नाम है राखी और आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध दरभंगा जिले के बारे में। दरभंगा बिहार राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बागमती नदी के किनारे बसा यह शहर अपने आम और मखानों के लिए जाना जाता है। दरभंगा बिहार का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर भारत का पहला भूकंप रोधी महल मौजूद है, जिसे हम नरगौना पैलेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यह शहर पटना शहर के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हब भी है। 2006 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का दरभंगा भारत का 250वां सबसे पिछड़ा जिला भी है। दरभंगा बिहार का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां भारत का दूसरा लाल किला मौजूद है, जिसे हम दरभंगा फोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद अहिल्या मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान की पूजा महिला पंडित के द्वारा की जाती है। दरभंगा जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। दरभंगा के उत्तर में मधुबनी जिला, दक्षिण में समस्तीपुर जिला, पूर्व में सहरसा जिला और पश्चिम में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिला मौजूद है। लगभग 2280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए दरभंगा जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 39 लाख के ऊपर थी। जनसंख्या के अनुसार दरभंगा बिहार का 5वां और भारत का 64वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से दरभंगा जिले में 77% हिंदू, 22% मुस्लिम व अन्य 1% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। शहर की साक्षरता दर 57% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 66% और महिला साक्षरता दर 45% है। दरभंगा जिला कुल 18 तहसीलों में बटा हुआ है, जिसमें दरभंगा सदर, बहादुरपुर, बहेड़ी, हायाघाट, हनुमान नगर, क्योटी, जले, सिंहवाड़ा, कीरतपुर, बिरौल, अलीनगर, बेनीपुर और घनश्यामपुर शामिल है। दरभंगा को पटना के बाद बिहार का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ का दरभंगा मेडिकल कॉलेज, मिथिला डेंटल कॉलेज, दरभंगा संस्कृति यूनिवर्सिटी और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक स्थान हैं। इस शहर का नामकरण फारसी शब्द दर ए बंग शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ है बंगाल का दरवाजा। मध्यकालीन युग के दौरान इस ऐतिहासिक क्षेत्र की स्थापना दरभंगी खान नाम के मुगल सुल्तान के द्वारा की गई थी। यह वह दौर था जब यह शहर अपने सबसे अच्छे वक्त से गुजर रहा था। उस कालखंड के दौरान यह ऐतिहासिक क्षेत्र मिथिलांचल सूबे की राजधानी हुआ करता था। अंग्रेजों के कालखंड में भी दरभंगा क्षेत्र का परचम बिहार में सबसे ऊंचा हुआ करता था। आवागमन के दृष्टिकोण से बिहार शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। दरभंगा शहर में कुल 2 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, दरभंगा जंक्शन और लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन, जिसमें से दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर के मुख्य और व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है और 8 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। बिहार के पटना और गया जंक्शन के बाद दरभंगा जंक्शन बिहार का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। सड़क मार्ग BSRTC बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। यह बस अड्डा अपने सड़क मार्ग के जरिए
पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप दरभंगा शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग। दरभंगा शहर के रानीपुर इलाके में मौजूद दरभंगा एयरपोर्ट शहर का मुख्य हवाई अड्डा है। कई एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ यह हवाई अड्डा पटना गया एयरपोर्ट के बाद बिहार का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। दरभंगा हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे कई शहरों से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड की कई हस्तियां जैसे मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा, गायक मैथिली ठाकुर, लेखक एचसी वर्मा, संजय पासवान, गायक उदित नारायण जैसे कई महान हस्तियों का संबंध भी बिहार के दरभंगा से ही रहा है। दरभंगा शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गेहूं, धान, गन्ना और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। शहर के उद्योगों में हस्तशिल्प उद्योग, चीनी मिल उद्योग, राइस मिल उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। परंतु शहर में बड़ा उद्योग न होने के कारण दरभंगा शहर के लोग रोजगार पाने के लिए दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों की ओर पलायन करना पसंद करते हैं। दरभंगा शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी दरभंगा शहर की खूबसूरती को देखने के लिए आते जाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना दरभंगा शहर का भ्रमण अधूरा है। दरभंगा का किला। शहर के रामबाग कॉलोनी रोड पर मौजूद दरभंगा किला, जिसे भारत का दूसरा लाल किला भी कहा जाता है, लगभग 85 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए किले का निर्माण राजा कामेश्वर सिंह के द्वारा सन 1947 में करवाया गया था। किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से करवाया गया था, जो किले की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आजकल इस ऐतिहासिक किले का प्रयोग मिथिला विश्वविद्यालय के रूप में किया जाता है। अहिल्या स्थान। दरभंगा जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अहिल्या स्थान शहर के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे, तब उनकी चरणों के सामने एक पत्थर टकरा गया और उस पत्थर से माता अहिल्या उत्पन्न हुई थी। इसी कारण आज भी यहाँ भगवान राम की पूजा एक महिला पंडित द्वारा की जाती है, जो अपने आप में एक अद्भुत करिश्मा है। होली रोजरी चर्च। होली रोजरी चर्च दरभंगा शहर के बीचों बीच मौजूद भारत की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। हर साल 25 दिसंबर को यहाँ बड़े दिन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्यामा मंदिर। श्यामा मंदिर का निर्माण 1935 में एक शमशान घाट के ऊपर करवाया गया था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हुई मुराद जरूर पूरी होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय श्रद्धालु एकांत में बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए बेजोड़ बिहार के साथ। प्रणाम।